डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का PYQ सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का सर्कल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आया हुआ है जेईई मेंस 2020 में, ठीक है, 3 सितंबर का मॉर्निंग सेशन में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड विच टचेस बोथ द लाइन एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू टू इज। है कि सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करेगा इस लाइन पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू पर, और सर्कल जो है दो लाइन को टच कर रहा है, दैट विल बी एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू टू, और सर्कल का जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो पहले फिगर बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन में क्लैरिटी जो है इजीली आ जाएगा, क्वेश्चन को हम लोग ज्योमेट्री से बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन हो जाएगा आपको कौन सा लाइन है, ये लाइन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है। अब इसमें दो लाइन हमारे पास में है, पहला लाइन है x इक्वल टू थ्री एंड y इक्वल टू टू। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपको पता है, ये हो जाएगा 0,2, एंड y इक्वल टू टू वाला लाइन जो हो जाएगा इधर से ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है, ये लाइन y इक्वल टू टू हो जाएगा। अगेन जो x इक्वल टू थ्री वाला लाइन होगा, x इक्वल टू थ्री वाला लाइन कुछ इस तरह से पास करेगा, x इक्वल टू थ्री वाला लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी ये लाइन x इक्वल टू थ्री एंड ये लाइन जो है y इक्वल टू टू, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू टू, इस पर डायमीटर आपको है सर्कल का, ठीक है, और सर्कल का जो सेंटर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर हम लोग फिगर कुछ बना लेते हैं तो इस तरह का फिगर बन सकता है। सेंटर यहाँ लाई कर गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है, इस तरह का फिगर आपको बन रहा है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग लें, ये मान लो सेंटर को अगर सी मान लें, तो सी का कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट h कॉमा y कोऑर्डिनेट 2 माइनस h। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर है ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर लाई कर रहा है, सेंटर जो है x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर लाई कर रहा है। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट को h मान लिया तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 माइनस h। नाउ c से अगर दोनों टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के। यानी अगर हम लोग ऐसा लिख दें सी एम और n, यानी सी एम इक्वल टू सी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस। सी एम इक्वल टू सी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा। अब आप बताओ c का कोऑर्डिनेट से x इक्वल टू थ्री पर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हो सी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा सेंटर c से x इक्वल टू थ्री पर परपेंडिकुलर। तो ये तो आप अगर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ थ्री माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है, h, ठीक है। इसी तरह से अगर सी एन लिखोगे, सी एन कितना हो जाएगा, सी एन का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ y माइनस टू है, यानी 2 माइनस h माइनस 2 का मॉड। आप परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लीजिए, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, x1 y1 से परपेंडिकुलर ये लाइन पे एक प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स वन प्लस मॉड ऑफ बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप निकाल के चेक कर लीजिए, अब दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस के बराबर है। तो आप लिखोगे मॉड ऑफ थ्री माइनस एच इक्वल टू, ये टू टू कैंसिल, मॉड ऑफ माइनस एच। इसके दो केस बनेंगे, ठीक है, या तो दोनों प्लस में ओपन होगा या तो दोनों माइनस में। तो केस वन दोनों प्लस में, तो थ्री माइनस एच इक्वल टू एच, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया टू एच इक्वल टू थ्री, तो एच इक्वल टू थ्री बाई टू, एच इक्वल टू थ्री बाई टू, और रेडियस कितने के बराबर है, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ थ्री माइनस थ्री बाई टू। तो ये हो जाएगा 3 बाई टू के बराबर हो गया रेडियस। तो डायमीटर कितने के बराबर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू
रेडियस यानी 2 × 3/2 = 3, तो डायमीटर तो 3 आ गया। अच्छा इसी का अगर दूसरा केस अगर हम लोग ले, मान लो केस टू ले लें, केस टू में क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा यानी 3 − h = − h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 = 0 पॉसिबल नहीं है, यानी केस टू से कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट केस से ही आंसर आ रहा है, और जो आपके पास में रेडियस का वैल्यू आ गया वो 3/2 है, बट आपको डायमीटर पूछा हुआ है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 × रेडियस यानी 2 × 3/2 = 3, तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट विल बी 3, है ना, यानी डायमीटर का आंसर आ गया 3। तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से देखिए हम लोग सिंपल ज्योमेट्री लगा के प्रॉपर सर्कल का डायग्राम को बनाते हुए हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसमें जो भी कंटेंट आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।